नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्राइवेट सरकारी स्कूल फिर होंगे बंद, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बता दें, राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को कैसे रोका जाए, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अधिकारियों का फोकस इस बात पर है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ चलती रहे और कोरोना नियंत्रित रहे। अब विभाग में यह चर्चा तेज है कि राज्य में स्कूल को फिर से बंद रखने पर निर्णय हो सकता है। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 मार्च तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है, वहीं 20 मार्च से मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम एक बार फिर करवट लेगा, इससे राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। इससे झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा समेत अन्य जिलों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। जैक बोर्ड 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा जून जुलाई तक। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा जून जुलाई तक होने की संभावना है। इनकी कक्षाएं 1 मई से शुरू हुई है। बता दें, 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के बाद जून में ली जा सकती है, जबकि 11वीं की परीक्षा मैट्रिक व इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद जुलाई में हो सकती है। बता दें, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। परीक्षा की तिथि अप्रैल अंत तक घोषित की जा सकती है। झारखंड में अस्थायी शिक्षकों के लिए तैयार हो रही नई नियमावली। झारखंड में अब नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बता दें, प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर विधायक भानु प्रताप शाही की ओर से ध्यान आकर्षण के तहत उठाए गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की नियमावली की वजह से 600 से ज़्यादा मामले कोर्ट में लंबित है। इसके समाधान को लेकर सरकार नई नियमावली बना रही है, इसी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें, विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार से टेट पास शिक्षकों की सीधी बहाली रिक्त पदों पर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसमें विपक्ष भी सहयोग करेगा। बोर्ड की तैयारी के लिए स्कूलों में मॉक टेस्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए मॉक टेस्ट आयोजित होगा। बता दें, यह मॉक टेस्ट 25 से 30 अप्रैल को सभी स्कूलों में होगा। इसके लिए प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा तैयार किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में सुधार को लेकर गुरुवार को आयोजित वेबिनार में इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई। बता दें, वेबिनार को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कैसे तैयार करें, यह महत्वपूर्ण है। घंटी आधारित शिक्षकों को 30 सितंबर तक विस्तार। झारखंड के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत घंटी आधारित नियुक्त शिक्षकों के पैनल को 30 सितंबर 2021 तक विस्तार मिलेगा। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इससे पहले घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों का विस्तार 31 मार्च 2021 तक किया गया था। हरियाणा ने जीता सब जूनियर नेशनल हॉकी का खिताब। झारखंड के सिमडेगा में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का खिताब हरियाणा की टीम ने जीत लिया है। बता दें, खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने झारखंड को 4-3 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही। खेल संपन्न होने तक हरियाणा व झारखंड की टीमें 0-0 से बराबरी पर रही। इसके बाद पेनाल्टी शूट आउट से निर्णय हुआ। इसमें हरियाणा की टीम 4 गोल दागे। झारखंड में बढ़ सकती है प्रखंडों की संख्या। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में बड़ी घोषणा की है। बता दें, नए प्रखंडों के गठन को लेकर उठने वाली मांग और भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अस्थायी निपटारे के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दो अहम घोषणाएं की। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में नए प्रखंड की जरूरत और संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार सर्वे कराएगी। वहीं जमीन विवाद रोकने के लिए खतियान व प्लॉट का यूनिक कोड जारी किया जाएगा। झारखंड में 166 पशु चिकित्सकों की सीधी भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 166 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। बता दें, इनमें 124 पद सीधी भर्ती तथा 42 पद बैकलॉग के हैं। आयोग ने गुरुवार को दोनों श्रेणी के पदों के लिए अलग अलग सूचनाएं जारी कर दी।
दोनों श्रेणी के पदों के लिए 24 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल को रात 11:45 तक है। झारखंड में 97 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 38, पूर्वी सिंहभूम 24, बोकारो 8, पश्चिमी सिंहभूम 10, रामगढ़ 8, हजारीबाग 1, देवघर 1, कोडरमा 3, गुमला 1, लोहरदगा 1, साहिबगंज 1, दुमका से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1094 है, वहीं एक्टिव केस 624 है। भारत में 39,643 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,59,405 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 268,338 है। गुमला में 5 की हत्या पर हाई कोर्ट ने कहा आकाश डायन प्रथा के खिलाफ सरकार गंभीरता से कदम उठाती। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में गुरुवार को गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई हुई। बता दें, इस दौरान अदालत ने सरकार के जवाब को पर्याप्त नहीं बताते हुए दोबारा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा कि सरकार इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। इस दौरान कड़ी मौखिक टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि काश सरकार पहले ही इस तरह के मामलों को रोकने के लिए गंभीरता से कदम उठाती तो गुमला में ऐसी घटना नहीं होती। बिना मास्क ग्राहकों को दुकान में दी एंट्री तो होगी कार्रवाई, रांची उपायुक्त। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने गुरुवार को रांची के GEL चर्च कॉम्प्लेक्स से मास्क चेक इन अभियान की शुरुआत की। बता दें, इस मास्क चेक इन अभियान के दौरान रांची उपायुक्त छवि रंजन ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि अपने अपने दुकानों प्रतिष्ठानों में हमेशा शारीरिक दूरी का अनुपालन करें और सभी ग्राहकों से भी करवाएं मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें तथा बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को अपने दुकान प्रतिष्ठानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दे। निजी स्कूल का टैक्स माफ करने पर निर्णय जल्द, मंत्री। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य इकाई का पहला प्रांतीय सम्मेलन गुरुवार को हिनू के एक होटल में हुआ। बता दें, सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद एवं प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने किया। पासवान ने एक दिवसीय सम्मेलन में निजी स्कूलों की समस्याओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल ने निजी स्कूल संचालकों, छात्र छात्राओं व अभिभावकों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। शिक्षकों का तबादला पोर्टल के माध्यम से। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण वेब पोर्टल के जरिए होगा। इसके लिए गुरुवार को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वार्ता हुई। बता दें, राज्य के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण व जिला अंतर्गत स्थानांतरण से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने बैठक बुलाई थी। इसमें संयुक्त सचिव गरिमा सिंह, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव शामिल थे। कक्षा 9वीं में शामिल होगा शारीरिक शिक्षा, 600 अंकों के सवाल होंगे। राज्य के हाई स्कूलों की 9वीं क्लास में नए शैक्षणिक सत्र से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की पढ़ाई एक विषय के रूप में होगी। बता दें, इस साल जहां 9वीं में, वहीं अगले साल 10वीं में इसे विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके बाद 2023 की मैट्रिक परीक्षा में इस विषय से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बता दें, राज्य सरकार 2023 की मैट्रिक परीक्षा से फेरबदल भी करने की तैयारी में है। अभी मुख्य रूप से 5 विषय की परीक्षा होती है, जिसमें शारीरिक शिक्षा व खेलकूद विषय के रूप में शामिल होने पर इसकी भी अलग से परीक्षा होगी। ऐसे में विषयों की संख्या बढ़ेगी और 500 अंकों के बजाय 600 अंकों के सवाल होंगे। गुमला के 26,000 स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप राशि भुगतान का पेच फंसा। गुमला में स्कॉलरशिप का 5 करोड़ रुपए से अधिक राशि सरेंडर होगा। बता दें, कल्याण विभाग गुमला द्वारा राशि सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें, 25,514 स्टूडेंट्स के आधार कार्ड का बैंक खाता से लिंक नहीं किया है, जिस कारण इन छात्रों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब स्कॉलरशिप के लिए छात्रों को और 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कल्याण विभाग दोबारा सरकार से स्कॉलरशिप राशि की मांग करेगी। आवंटन प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 21-22 में 25,541 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी। JJMP के 4 नक्सली रांची से गिरफ्तार।
लातेहार में मुंशी विष्णु देव सिंह की हत्या के आरोप में पुलिस ने नक्सली संगठन जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा के मुखिया भाई जुलेश्वर लोहरा समेत चार नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें, एसपी प्रशांत आनंद के निर्देश पर गठित एसआईटी ने रांची में छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में एक साथ 32 सीओ का तबादला। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलाधिकारी स्तर के 32 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। बता दें, देर शाम विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे पहले अंचल स्तर पर सरकारी कामकाज सुधारने के लिए सरकार ने एक साथ 161 अंचल अधिकारियों का तबादला किया था। धन्यवाद।